राजेश जम्बाल, मेंबर पीएचई यूनाइटेड फ्रंट। आज की जो प्रेस वार्ता हमने इसलिए बुलाई है कि हमारी स्ट्राइक 18 तारीख परमानेंट एम्प्लॉइज की सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक होगी। इसमें हमने कुछ 5 मुद्दे थे हमारे। एक था सबसे पहले डीपीसी, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन कमेटी थी वो आज तक नहीं हुई। हम जब भी बड़े अधिकारियों से मिलते हैं तो वो कभी हमारी बात सुनते नहीं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक आर्डर निकाला था कि हर महीने इनकी डीपीसी होनी चाहिए, लेकिन आज तक कोई डीपीसी नहीं हुई। दूसरा मुद्दा था हमारा रिकवरी के लिए SRO 149 और 59। उसमें ये हुआ था कि जिन लोगों ने लिया है, जो बंदा आज की डेट में रिटायर हो रहा है, उसको रिकवरी चल रही है, तो ना ही वो उसको पेंशन मिल रही है, ना ही उनको कोई अपनी ग्रेजुटी मिल रही है, ना ही उनको लीव सैलरी मिल रही है। तो तीसरा ये था कि जो हमारा डिपार्टमेंट अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में गया है, उसके लिए हम कहते हैं कि हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट यही रहना चाहिए। जो हमारे एम्प्लॉइज़ है, चलो ठीक है, उधर काम करेंगे, लेकिन उनके जो भी सीनियरिटी लिस्ट है, जो भी है उनका कुछ प्रमोशन वगैरह, वो इधर से होनी चाहिए। तो जो एक था 43 का मुद्दा है, 43 का मुद्दा यह है कि इधर जितने केस पड़े जिनकी डेथ हुई है पीएचई एम्प्लॉइज इधर अपने हमारे, उनके आज तक मेरे ख्याल में 4 साल हो गया, किसी की नौकरी नहीं लगी। तो इसलिए हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि मीडिया की तरफ से कि इनका काम होना चाहिए। जो हमारा 18 तारीख को स्ट्राइक है, वो हमने कामयाब करनी है। इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट, सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हर वक्त हमारी बात सुनते हैं और आगे तक लेके जाते हैं। हमारी आज मेन 5 डिमांडों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें हमारा डीपीसी के मसले हैं और SRO 149, 9073, SRO 59, उसके बाद 380 के लिए अमेंडमेंट के लिए वो है। काफ़ी दरीना डिमांडें जो हमारी थी, आज परेशानी के आलम में मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारी डिमांडें सुनते हैं और आगे तक लेके जाते हैं। हमारी आज पास प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब 5 डिमांडों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक डीपीसी का मसला है, SRO 149 है, SRO 59, SRO 380 जिसकी मॉडिफिकेशन होनी है और हो नहीं रही, जिसके लिए एक चीफ सेक्रेटरी साहब का कमिटमेंट है मुलाजमों के साथ कि इनकी हर 6 महीने, वे पहले 1 महीने पे थी बात, उसके बाद 6 महीने पे चले गई और आज तो 6-6 साल हो गए डीपीसी नहीं हो रही है। SRO 43 का मसला है, जो बेचारे यहाँ हमें छोड़ जाते हैं, डिपार्टमेंट छोड़ जाते हैं, उनके बच्चे आज दर बदर हो रहे हैं, उनकी नौकरियाँ नहीं लग रही। उसके बाद हमारी जो 4 डिवीज़न म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर गए हैं, हम ये चाहते हैं कि वो हम काम करने के लिए वहाँ तैयार हैं डेपुटेशन बेस पे, जो हमारे डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो मसाइल हैं हमारे, वो डिपार्टमेंट में ही रहने चाहिए। थैंक यू।